बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में 26 नवंबर से पहले होंगे विधानसभा का चुनाव। सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि त्योहारों को ध्यान में रखकर तारीखों का ऐलान किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजीव कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है, इससे पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तारीखों का ऐलान अगले महीने होने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसएस संधु दो दिन महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। उन्होंने यहां विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके अलावा उन्होंने शिवसेना, शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव गुट, भाजपा, एनसीपी, एनसीपी एसपी यानी कि शरद चंद्र पवार की पार्टी, मन से, एमएनएस, बसपा, आम आदमी पार्टी समेत 11 पार्टियों से मुलाकात की। सभी राजनीतिक पार्टियों ने मांग की है कि दिवाली, देव दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों को ध्यान में रखकर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाए। ये बड़ी खबर। महाराष्ट्र में चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीईसी राजीव कुमार। सीईसी ने 11 राजनीतिक दलों से मुलाकात की है। आशंका जताई जा रही है कि महाराष्ट्र में 26 नवंबर से पहले विधानसभा चुनाव की तारीख का बिगुल बज सकता है। दिवाली के बाद विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं महाराष्ट्र में। 12.48 लाख वोटर्स नॉर्मल वोटर्स होंगे, 19.48 लाख वोटर्स पहली बार वोट करेंगे। पूरे महाराष्ट्र में 1,186 पोलिंग बूथ होंगे। ये जानकारी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दी है। सीईसी राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा है और विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कब होगा महाराष्ट्र में, इसको लेकर राजीव कुमार ने क्या घोषणा की है, हम सीधे आपको राजीव कुमार को सुनवाते हैं, सुनिए। सर्वप्रथम हमने सभी राजनीतिक दलों से मुलाकात की, जिसमें सभी नेशनल पार्टीज थी, रीजनल पार्टीज थी, सभी स्टेक होल्डर से मुलाकात की, जिसमें सारी एनफोर्समेंट एजेंसी जिनके बारे में मैं विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा, ऑल दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, कमिश्नर्स ऑफ पुलिस, चीफ सेक्रेटरी, DGP, ऑल दी सीनियर ऑफिसर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग फैसिलिटीज एट दी पोलिंग स्टेशंस एंड ऑल्सो मेकिंग अरेंजमेंट्स। वी मेट ऑल, वी डायरेक्टेड एवरी वन अबाउट वॉट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। सो लेट मी फर्स्ट स्टार्ट विद द पॉलिटिकल पार्टीज। वी मेट BSP। नाउ आई गिव यू द ओवरव्यू ऑफ पोलिंग स्टेशंस इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो 1,186 पोलिंग स्टेशन हैं पूरे महाराष्ट्र में। इट्स अ बिग स्टेट एंड ऑफ विच 42,585 आर अर्बन बूथ्स एंड 57,600 आर रूरल बूथ। दिस ऑल्सो इज पिक्यूलियर टू महाराष्ट्र दैट नंबर ऑफ अर्बन बूथ्स एंड रूरल बूथ्स आर ऑलमोस्ट इन आई मीन अर्बन बूथ्स आर ऑल्सो क्वाइट हाई। Otherwise, rural area booths are more in many states, but because of the urbanization, Maharashtra has 42,558 urban booths. और इससे हमें बहुत challenges भी हैं हमारे सामने, जिसका मैं जिक्र आगे करूंगा आपसे। हम webcasting करेंगे minimum 50% booths पर, लेकिन इसी meeting में हमने directions दी हैं कि urban area में, ताकि हम lines का management better कर सकें और कोई भी अगर उस जगह में कमी है उसको लाइव कंट्रोल रूम से देख सकें। इसके लिए शहरी एरियाओं में हम कोशिश करेंगे कि हम लगभग 100% बूथ्स पर CCTV कवरेज करें और रूरल एरिया में भी 50% से ज्यादा बढ़ा के करें, जो कि इंटीरियर मोस्ट एरियाज हैं, ताकि वहां के बारे में भी जानकारी मिल सके। कुछ बूथ्स को हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी मैनेज करेंगे। दिस ऑल्सो इज ए टूल विच वी वॉन्ट टू यूज फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड ऑल्सो द यूथ। तो 350 बूथ ऐसे होंगे जो सिर्फ यूथ मैनेज करेंगे। यूथ मीन्स जो लोग अभी तुरंत अपॉइंट हुए हैं गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनको अपॉइंट वो लगाएंगे 299। तो अभी आपने सीईसी राजीव कुमार को सुना।
महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 25 अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए और 29 अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है, इसलिए चुनाव इससे पहले ही पूरे करने होंगे। महाराष्ट्र में कुल मतदाताओं की संख्या 9.59 करोड़ है, जिसमें पुरुष मतदाता 4.59 करोड़ हैं और महिला मतदाता 4.64 करोड़ हैं। पहली बार वोट देने वाले विशेष रूप से 18 से 19 वर्ष के युवा मतदाताओं की संख्या लगभग 19.48 लाख है। राजीव कुमार ने कहा कि हमने महाराष्ट्र सरकार से उन अधिकारियों का तबादला करने का अनुरोध किया है जो अपने गृह जिले या मौजूदा पोस्टिंग में 3 साल से अधिक समय से सेवा दे रहे हैं। यह वोटर्स का अधिकार है कि उन्हें पता हो कि किस कैंडिडेट का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। पार्टियों को अपने कैंडिडेट के बारे में ये जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। और इसके बाद अगर महाराष्ट्र में सत्ता के समीकरण पर अगर हम नजर डालते हैं तो महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा की सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 145 है, यानी किसी भी राजनीतिक पार्टी को अगर महाराष्ट्र में सरकार बनानी है तो 145 सीटें चाहिए। अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल 103 सीटें हैं, शिवसेना के पास 37 सीटें हैं, एनसीपी के पास 39 सीटें हैं और अन्य पार्टी के पास 22 सीटें हैं, कुल मिलाकर 201 सीटें एनडीए के पास है। और वहीं अगर एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस पार्टी के पास 37 सीटें हैं, शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे गुट के पास 15 सीटें हैं, एनसीपी एसपी शरद चंद्र पवार पार्टी के पास 13 सीटें हैं और अन्य के खाते में 2 सीटें हैं, तो एमवीए के पास कुल 67 सीटें हैं। और अगर अन्य पार्टियों की बात की जाए तो एमआईएम जिनके पास 2 सीटें हैं, एसपी समाजवादी पार्टी जिनके पास 2 सीटें हैं और सीपीआईएम के पास 1 सीटें हैं। नवंबर 2024 को बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट सरकार का कार्यकाल खत्म होगा। महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट की सरकार है, इसका कार्यकाल नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। अक्टूबर 2024 में चुनाव हो सकते हैं। महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों पर 2019 में चुनाव हुए थे। बीजेपी 106 विधायकों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी गठबंधन में बात नहीं बन पाई। 56 विधायकों वाली शिवसेना ने 44 विधायकों वाली कांग्रेस और 53 विधायकों वाली एनसीपी के साथ मिलकर महा